प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर जिले भर के मुखिया आज जिला मुख्यालय स्थित अंबेडकर स्थल पर दे रहे हैं धरना। दोस्तों सलाम नमस्ते, मैं हूं टीपू टार्जन और आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज में आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। बताते चले कि जिला मुख्यालय के अंबेडकर स्थल पर जिला मुखिया संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर आयोजित धरने में जिले भर के मुखिया शामिल हुए हैं। मौके पर मौजूद संघ के अध्यक्ष एवं मान्य ने बताया कि हम लोग लगातार 16 अगस्त से विभिन्न मांगों को लेकर प्रखंड मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय पर धरना देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार या उसके पदाधिकारी हमारी मांगों को नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। उनकी मांगों में 73वें संविधान संशोधन के तहत मिले 29 अधिकारों को मुखिया को दिया जाए, ग्राम सभा से पारित प्रस्तावों को प्राथमिकता दिया जाए, मुख्यमंत्री स्ट्रीट सोलर योजना को फिर से मुखिया के अधीन दिया जाए, पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य मुखिया के अधीन दिया जाए सहित अन्य मांगे हैं। अगर सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना तो हम लोग प्रदेश स्तर पर बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को होंगे मजबूर। आप देख रहे हैं पुपरी न्यूज। पुपरी न्यूज को लाइक शेयर फॉलो करते रहें। पुपरी न्यूज, आपकी आवाज हर पल आपके साथ। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि पुपरी न्यूज की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। न डरेंगे न डराएंगे, केवल सच दिखाएंगे। न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष। और निष्पक्ष खबरों के लिए पुपरी न्यूज को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर फॉलो करते रहें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर कर दें। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर स्थल पर सीतामढ़ी जिला के प्रत्येक प्रखंड से आए हुए सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष एवं सम्मानित मुखिया जी, सम्मानित वार्ड सदस्य और यहाँ पर आए हुए मीडिया के सम्मानित भाइयों और महान जनता मालिकों को मैं इस सभा स्थल पर हार्दिक स्वागत करते हैं, चंदन करते हैं, प्रणाम सलाम नमस्कार करते हैं। प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इसके पीछे जो कारण है, सभी वक्ताओं ने बहुत सुंदर पूर्वक विश्लेषण कर रहा है, मैं उनका समर्थन करता हूँ। पंचायत को संविधान पर्वक 29 अधिकार जो मिला हुआ है, अभी तक आजादी के बाद से 29 अधिकार भी पंचायत को पूर्णतः लागू नहीं किया गया है। और जो अधिकार मिला हुआ, आज जितना सारा समस्या हम लोग को आ रहा है उसके पीछे यही कारण है, जितना अधिकार जो मिला हुआ है उसमें भी अब बिहार सरकार हो और भारत सरकार हो, दोनों लोग हम लोग को अधिकार में कटौती कर रहे हैं। आज हम सारे जितने मुखिया हैं, हर पार्टी किसी न किसी पार्टी के रूप में बिलोंग करते हैं। जिस तरह भारत में संविधान है उसी तरह पंचायत का ग्राम सभा आत्मा होता है, जिस तरह देश का संविधान आत्मा है उसी तरह करना चाहते हैं। मुखिया को हल्का में न ले, जिस तरह से विगत चुनाव में चिराग पासवान को हल्का में लिया था तो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। यदि आज मुखिया को उसी तरह से हल्का में लेगा तो राजनीति से नामो निशान मिट जाएगा नीतीश कुमार का, मैं धरना के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जनता के अधिकार के लिए हम लोग बैठे हैं, जनता के अधिकार के लिए जन धरना कार्यक्रम हुआ है, पूरे बिहार में आज हो रहा है। मुख्य मांगे क्या क्या है आपकी? 29 मांगे हैं मुख्य, एक मांग नहीं है, 29 मांगे हैं। दो चार बताइए तो सही। 29 मांगे हैं, उसमें मुख्य मांगे हैं, आवास योजना का पोर्टल बंद है, कभी जन गोष्ठी योजना बंद है, बहुत सारे मांगे हैं, मनरेगा से संबंधित मांगे हैं, पंचायत से संबंधित मांगे हैं। सारी योजना भारत सरकार, बिहार सरकार पंचायत के अधिकार का हनन कर रही है। पंचायत की स्वतंत्रता हम चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं। तो आपके संघ के द्वारा क्या ये माना जाए कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों आप लोगों के खिलाफ है क्या? दोनों हम लोगों के अधिकार को हनन कर रही है। जनता को हम लोग जो
कार्य नहीं कर पा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रहे हैं। ये कब तक चलेगा आप लोगों का धरना प्रदर्शन? जब तक सरकार नहीं हम लोगों को समस्या का समाधान करेगी तब तक हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे। आपके अपने ही शहर पुपड़ी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मन पसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, टीवीएस फाइनेंस, होम क्रेडिट, पैन लैब, डीएमआई कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ। तो आज ही आए, मौका न गवाएं और अपने मनपसंद का मोबाइल ले जाएं, मनपसंद का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाएं।